बिल्ली का पकड़ा गया नाटक। एक काली बिल्ली खाना ढूंढते ढूंढते गोदाम में जा पहुंचती है। उस काली बिल्ली को पता था कि वहां बहुत सारे चूहे भी रहते हैं। हाँ, लगता है यही वो गोदाम है जहां बहुत सारे चूहे भी आते हैं। मुझे यहाँ खड़ा देखेंगे ना वो सबके सब भाग जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं सोने का नाटक करता हूँ, उन्हें लगेगा मैं इस दुनिया से चल बसा। यही ठीक रहेगा। चूहों को अपने जाल में फंसाने के लिए काली बिल्ली आंखें बंद करके एकदम चुपचाप बैठ जाती है और सामने से बहुत सारे चूहे गोदाम की तरफ आते हैं। उस काली बिल्ली को देख एक छोटा चूहा कहता है, अरे वो देखो मरी हुई बिल्ली, दोस्तों चलो बड़ी भैया को बताते हैं, चलो जल्दी। छोटा चूहा ये बात बताने के लिए बड़े चूहे के पास जाता है और उसे कहता है, अरे बड़े भैया वो देखो मरी हुई बिल्ली। आवाज मत करो, पहले तो उस बिल्ली से दूर हो जाओ। एक बात तुम सब याद रखना, बिल्लियों के 9 जन्म होते हैं और दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत अच्छे से आता है उन्हें। मैं तुम सबको इसका नमूना पेश करता हूँ, आओ सब मेरे पीछे। बिल्ली जहाँ लेटकर नाटक कर रही थी उसके ठीक पीछे एक चावल की बड़ी सी बोरी रखी हुई थी और उसके ऊपर एक गेहूं की बोरी रखी थी। चूहे के बड़े भैया उस बोरी के ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हैं और अपने नुकीले दांतों से उस बोरी को चबाता है और फिर सब जगह गेहूं का आटा हवा में उड़ता है और उस बिल्ली पर गिरता है। अब सब अपनी अपनी जगह से चुपचाप देखो, आगे आगे होता है क्या। बड़ी ही चालाक बिल्ली है, देखो तो इतना सारा आटा गिरा फिर भी कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ी देर सब चूहे वहां रुककर बिल्ली पर नजर गड़ाए हुए हैं और तभी देखा कैसी पकड़ी गई चोरी। मैंने कहा था ना बिल्लियां बड़ी ही तेज और होशियार होती है, इनसे बच के रहना। अब इस बिल्ली को पता चला कि हमने इसका रंग बदल दिया है, ये हमें छोड़ेगी नहीं, इसलिए सब भागो जल्दी से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमेशा चालाक लोगों से होशियार रहना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।